लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आप घर पे स्किन वाइटिंग उपटन कैसे बना सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उसी उपटन में से आप घर पे साबुन कैसे बना सकते हो जो 100% केमिकल फ्री, फोमिंग फ्री होगा। ये साबुन मार्केट में मिलने वाले केमिकल वाले साबुन से कहीं गुना बेटर होगा, जिसका यूज करने से आपको कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये आपकी स्किन को साफ करेगा, बेदाग करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर है उसको भी रिमूव करेगा। इस साबुन को बनाने के लिए आप सबसे पहले उपटन ले लो। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बकरी का दूध, नलपमर आदि तेलम और नीम ऑयल। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, आप पानी की जगह पे एलोवेरा वाटर या फिर रोज वाटर का भी यूज कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दो और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसको अच्छी तरह से गूंदना स्टार्ट करो। अगर आपके पास बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप गाय का दूध का भी यूज कर सकते हो। जितना अच्छे से इसको गूनोगे, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से मसलोगे, उतने आपके साबुन की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया बनेगी। जब ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक आटे के फॉर्म में आ जाए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मोल्ड की। यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लिया है, उसको दोनों साइड से काट के इस तरह से इसको मोल्ड की तरह यूज़ करेंगे। इस मोल्ड का यूज़ करने से पहले हम मोल्ड के अंदर कोई भी तरह का ऑयल लगा देंगे, जिसकी वजह से हम जब भी साबुन बनाए तो साबुन ईजिली फिर निकल सके। जो भी हमने आटा तैयार किया था वो मोल्ड के अंदर धीरे धीरे भरना स्टार्ट करेंगे। आटे को भरते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि उसको अच्छी तरह से प्रेस करें, दबाते रहें, जिसकी वजह से आपका जो साबुन है वो बढ़िया बने और सूखने के बाद भी वो टूटे नहीं। इसी तरह से आपके सभी साबुन को तैयार कर लेना है। सुखाने के लिए एक बात का खास ध्यान रखें कि इसको धूप में ना सुखाएं और डायरेक्ट फैन के नीचे ना सुखाएं। अगर आपने धूप में या फिर फैन के नीचे इसको डायरेक्टली सुखाने की कोशिश की तो आपका जो साबुन है वो फट जाएगा। इसलिए इसको 5 से 6 दिन के लिए अंधेरे में या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरी छांव रहती हो, डायरेक्ट हवा ना लगती हो। कंप्लीटली ड्राई होने के बाद ये साबुन इस तरह से दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको पानी के अंदर डीप करो, आपका जो हाथ है, अपना जो फेस है, उसको थोड़ा सा गीला कर लो और हल्के हाथों से अपने हाथों पे, अपने फेस पे रगड़ना स्टार्ट करो। ये एक स्क्रबर का काम करेगा, ये एक लुफा का काम करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर है उसको ये साफ करेगा। जो भी बेनिफिट उपटन के थे वो सभी तरह के बेनिफिट आपको इन साबुन के अंदर मिलेंगे और साथ ही आपके जो पोर्स थे उसको अंदर से डीपली क्लींस करेगा, जिसकी वजह से आपके जो स्किन के ऊपर दाग धब्बे थे वो धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो अनइवन टोन थी वो इवन होना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड साफ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस साबुन का यूज़ करते हो तो ना ही आपको स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी तरह की लुफा की, क्योंकि ये साबुन ऑल इन वन है जिसके अंदर कोई भी तरह का केमिकल्स नहीं है। फिर भी आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा और आपकी स्किन के ऊपर जो नेचुरल ऑयल रहेगा वो उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो नॉर्मल रहेगी। और जिन लोगों को पिंपल्स, एक्ने वगैरह होते, जिनको बॉडी पे इचिंग होते, उनके लिए भी यह साबुन बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड के नीम ऑयल और नलपमर आदि तेल जो स्किन वाइटनिंग का काम करते हैं और साथ ही स्किन का कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए भी मदद होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।